किसी भी प्रदेश के विकास का अंदाजा उसके शहरों को देखकर लगाया जा सकता है। और अगर बात हो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की, तो ये बात कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती है। किसी भी प्रदेश के विकास का अंदाजा उसके शहरों को देखकर लगाया जा सकता है। और अगर बात हो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की, तो ये बात कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती है। बड़े शहरों में तो तमाम तरह की सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन असल चुनौती होती है छोटे शहरों के विकास की, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदर्श नगर योजना का कुशल संचालन किया जा रहा है। युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का समुचित विकास हो सके, इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही यह योजना बहुत कारगर साबित हो रही है। आदर्श नगर योजना तो बेसिकली ये है कि प्रदेश सरकार का मैकेनिज्म है कि किसी भी नगर पंचायत को उनके अवस्थापना विकास के लिए, पीने के पानी, सफाई, सड़क, इस सब के लिए वो अगर कोई प्रोजेक्ट बना के लाते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसको स्वीकृत किया जाता है। क्योंकि उद्देश्य ये है कि इन सभी में कम से कम सारी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास होता है। इस योजना के तहत एक तरफ जहां पार्क और चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाता है, तो वहीं शौचालय और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निर्माण भी कराया जाता है। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जन सुविधा केंद्रों का भी निर्माण इस योजना के तहत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क निर्माण और ठोस कचरा प्रबंधन के भी कार्य कराए जा रहे हैं। नए कार्यों के योजना में शामिल किए जाने से छोटे शहरों के बहुमुखी विकास को रफ्तार मिली है। शहर का समुचित विकास होने से उद्योग व्यापार के साथ साथ रोजगार के भी तमाम साधन लोगों को मिलने लगे हैं। पहले जहां छोटे शहर विकास की रफ्तार में पीछे रह जाते थे और वहां रहने वाले लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो वहीं अब उनको अपने शहर और उसमें किए जा रहे विकास के कार्यों को देखकर उनको नाज होता है। प्रदेश के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में आदर्श नगर योजना सही मायने में न सिर्फ विकास को गति देने में सफल रही है, बल्कि तेजी से बढ़ने वाले शहरों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। छोटे शहरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और यह योजना उन्हीं सुविधाओं को साकार रूप देने में कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की समय समय पर आला अधिकारियों की तरफ से मॉनिटरिंग भी होती रहती है। साथ ही कार्य को पूरा होने पर संबंधित जिलाधिकारी उसकी गुणवत्ता की जांच अपने स्तर पर करता है, जिसकी वजह से इस योजना के तहत कराए जा रहे तमाम कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया गया है। शहरों की बढ़ती हुई आबादी की वजह से वहां रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आदर्श नगर योजना की वजह से प्रदेश सरकार इस चुनौती से निपटने में सफल रही है। नगर निकायों के बढ़ते दायित्वों के निर्वहन में सहयोग करना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्राथमिकताओं में है। आदर्श नगर योजना के अंतर्गत निकायों के चयन के लिए नगर विकास मंत्री आजम खां की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। प्रदेश के 1 लाख से कम आबादी वाले कुल 578 नगर निकायों में से आदर्श नगर योजना अंतर्गत अब तक 396 निकायों का चयन किया जा चुका है। इस महत्वाकांक्षी योजना से न सिर्फ अब तक छोटे शहरों के विकास में अहम भूमिका निभाई गई है, बल्कि मूलभूत सुविधाएं मिलने से आजीविका के साधनों में भी
इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व पूरे हुए वादे अब हैं नए इरादे।